वेलकम डॉक्टर्स, आज हम नए PYQs करेंगे जो कि आज हमारा टॉपिक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये सारे PYQ नीट में आ चुके हैं। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं और सिलेक्शन अपना पक्का करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा नीट 2019 का, जिसमें है सेल इन G0 फेज़। क्या होता है G0 फेज़ में सेल के साथ, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है टर्मिनेट द सेल साइकिल, सेकेंड है एग्जिट द सेल साइकिल, इंटर द सेल साइकिल और फोर्थ ऑप्शन है सस्पेंड द सेल साइकिल। तो हमें, अगर आपने सेल साइकिल का डायग्राम अगर इस वक्त आपके दिमाग में आ रहा होगा तो आपको पता होगा कि एग्जिट द सेल साइकिल, G0 फेज़ में जो सेल साइकिल होता है उसे सेल एग्जिट कर दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो PYQ है वो नीट 2019 का है। उसमें क्वेश्चन पूछा गया है द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल इज। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है G1, देन S फेज, देन G2 फेज, देन M फेज। सेकेंड ऑप्शन है M फेज, G1 फेज, G2 फेज, देन S फेज। थर्ड ऑप्शन में है G1 फेज, G2 फेज, S फेज और M फेज। हमारा फोर्थ ऑप्शन है S फेज, G1 फेज, G2 फेज, M फेज। तो इसका हमारा आंसर होता है फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो नीट 2019 का PYQ है, जिसमें पूछा गया है ड्यूरिंग सेल ग्रोथ, यानी कि जब सेल में ग्रोथ होती है तो DNA सिंथेसिस किस फेज़ में होता है, जिसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है S फेज, G1 फेज, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड फेज G2 फेज, फोर्थ है M फेज, जिसमें हमारा करेक्ट आंसर है S फेज। S फेज में हमारा DNA सिंथेसिस होता है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2016 का है, जो कहता है स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन टू। स्पिंडल फाइबर किस पर अटैच होते हैं, तो देखते हैं ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, रॉन्ग ऑप्शन। काइनेटोसोम ऑफ द क्रोमोसोम, गलत। टीलोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, ये तो गलत ही है। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही लग रहा है काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, यही हमारा ऑप्शन सही है। काइनेटोकोर से हमारे स्पिंडल फाइबर जो है वो अटैच होते हैं सेल साइकिल में, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होता है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा नीट 2018 का PYQ, जिसमें पूछा गया है द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिन इज। पहला है पैकाइटीन ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन है डिप्लोटीन, तीसरा है डाइकाइनेसिस, फोर्थ है जाइगोटीन। तो जो पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन स्टार्ट होता है वो हमारे सेकेंड ऑप्शन में, यानी कि डिप्लोटीन स्टेज में होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डिप्लोटीन, यानी कि सेकेंड आंसर। तो स्टूडेंट अगर हमारे अपने चैनल पर नए हैं तो आज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। अब बात करते हैं मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट की। ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है NCERT गाइडेंस और डाउट क्लियर टाइम के लिए, 7905714082। इसमें आपको NCERT हैंड रिटन नोट्स की PDF प्रोवाइड की जाएंगी, 24/7 गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप बात करें मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की, तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। इसमें आप मुझे ज्वाइन करके डेली क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपकी नोट्स पोस्ट होगी, मोटिवेशनल रील पोस्ट की जाएंगी, इसमें आपको MCQs भी सॉल्व करने को मिलेंगे, नीट की ऑल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, उससे अपडेट रिलेशन सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंस्टाग्राम पे मौजूद मिलेगी। मेरे biofactory@786 इसका हैंडल है, आप चाहें तो मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे DM में कोई भी डाउट एनी टाइम आप पूछ सकते हैं। इससे पहले मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है डाउट के लिए, नोट्स के लिए। तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कीजिए और मेक श्योर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अपना भी सिलेक्शन कराइए और उनका भी।